हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस अध्ययन। होप यू ऑल आर गुड। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 की नेशनल साइंस ओलंपियाड के सॉल्व क्वेश्चन पेपर को, यहाँ पर जो कि 2023 का सेट बी का पेपर है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो नाउ स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर वन इज, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट प्लेसेस मैग्नेट पी ऑन ए स्टैंड एंड देन स्लोली प्लेस ऑब्जेक्ट क्यू ऑन टॉप ऑफ इट। ही नोटिस दैट ऑब्जेक्ट क्यू डज नॉट स्टिक टू द मैग्नेट पी बट फ्लोज अबव इट एज शोन इन द गिवन फिगर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट क्यू डज नॉट स्टिक टू मैग्नेट पी। वन, ऑब्जेक्ट Q is made up of steel and magnet P exerts repulsive force on magnetic materials like steel and iron. Statement 2, object Q is an electromagnet. And statement 3 is, object Q is a magnet and the like poles of object Q and magnet P are facing each other, thereby exerting a repulsive force between them. Option number A, third only. Option number B, 1 and 2 only. Option number C, 1 and 3rd only. And option number D, second only. तो यहाँ पर क्या दे रखा है, एक ये मैग्नेट है P जिसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट Q जो है वो क्या करा है, इसको इसके ऊपर रखा गया है। तो यहाँ पर देखा गया है क्या, ये ऑब्जर्वेशन देखा गया है कि ये जो Q है, ऑब्जेक्ट Q है, वो मैग्नेट P पे स्टिक नहीं कर रहा है, चिपक नहीं रहा है, बल्कि इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो इसका रीज़न क्या है, तो इसका ये रीज़न है सिंपल कि ये जो ऑब्जेक्ट Q है एक मैग्नेट है जिसमें कि जो लाइक पोल्स होते हैं, तो ये अगर ये दोनों के जो है पॉजिटिव पॉजिटिव पोल्स हैं, तो एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स के कारण जो है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को जो है वो बाहर की ओर ये फेंक रहे हैं, यानी कि जो है ऑब्जेक्ट क्यू इसके कारण जो है अब मैग्नेट पी के ऊपर जो ये फ्लोट करेगा। तो ये किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए है ये, यानी कि स्टेटमेंट 3rd ओनली, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बाइसाइकिल रोलिंग ऑन टू सर्फिस एक्स एंड वाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सर्फिस एक्स एंड वाई। ए, सर्फिस एक्स प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर बी, सर्फिस वाई प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर सी, बोथ सर्फेस प्रोड्यूस इक्वल फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर डी, स्मूथनेस ऑफ सर्फेस डज नॉट अफेक्ट फ्रिक्शन। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ये डिस्टेंस और इधर टाइम का ये ग्राफ दे रखा है। यहाँ पर जो है ये फिगर उतना क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर ले लीजिएगा, वहाँ पर आपको क्लियर PDF मिल जाएगी। तो ये दे रखा है यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम का एक ग्राफ दे रखा है। तो यहाँ सरफेस एक्स पर क्या हो रहा है, ये 1000 जो है ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितने देर में, 6 जो है ये सेकंड में। वहीं पे जो ये वाई है वो क्या कर रहा है, ये 500 जो है ये जो मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, ज़्यादा है यहाँ पर इसका ये टाइम, यानी कि जो यहाँ पर सर्फेस एक्स है वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू सर्फेस वाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्फेस एक्स अगर ये वेलोसिटी यहाँ पर ज़्यादा है तो फ्रिक्शन यहाँ पर कम होगा, वहीं पे जो सरफेस वाई है वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ की वेलोसिटी कम होगी। तो इस तरह से ये किस में दे रखा है, तो सरफेस वाई प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज, अ बॉय वाज प्लेइंग विद हिज ट्रम्पेट फेसिंग अ वर्टिकल वॉल। द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ ऑफ साउंड पार्टिकल्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द साउंड वेव प्रोपेगेशन एज द वेव पासिस थ्रू द एयर इज शोन हियर। तो यहाँ पर क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का ये ग्राफ दे रखा है। उसके बाद क्या दिया है क्वेश्चन, अ पर्सन ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल कैन हियर द साउंड ऑफ द ट्रम्पेट। फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड हर्ड बाई हिम इट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 320 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, तो ये एक बॉय है जो कि प्ले कर रहा है ट्रम्पेट को, जिसमें कि ये फेस कर रहा है एक वॉल को, वर्टिकल वॉल को, और यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ यहाँ पर दे रखा है साउंड का। तो एक जो पर्सन है दूसरे साइड में वॉल के, तो वो क्या कर रहा है, वो ट्रम्पेट के साउंड को सुन रहा है। तो हमें बताना है कि जो वो साउंड सुन रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, यहाँ पर एयर की स्पीड कितनी दे रखी है, 320 मीटर पर सेकेंड। तो हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर जो लैम्डा है वो कितना है, ये 0.04 मीटर, वहाँ आप देखिएगा ग्राफ में, तो 0.04 मीटर जो है लैम्डा है, यानी कि ये वेवलेंथ हो जाएगी। सी हमें दे रखा है 320 मीटर पर सेकंड, एन हमें निकालना है, तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर सी इक्वल टू एन लैम्डा, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन लैम्डा। एन क्या है यहाँ पर, फ्रिक्वेंसी हमसे पूछी गई है, तो इसे आप निकालेंगे तो कितना निकल करके आएगा, ये 8000 हर्ट्ज होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 इज अ लाउड स्पीकर इज कनेक्टेड टू एन ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द जनरेटर इज स्लोली इंक्रीज्ड एंड साउंड फ्रॉम द लाउड स्पीकर इज फर्स्ट डिटेक्टेड बाय एन ऑब्जर्वर व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज 20 हर्ट्ज. द ऑब्जर्वर कैन नॉट हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 किलो हर्ट्ज. द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड. नाउ रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज देम एज ट्रू एंड फॉल्स वंस. 1. द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द साउंड डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर इज 0.01 सेंटीमीटर. सेकंड, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द साउंड डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर इज 17 मीटर. थर्ड, पिच इंक्रीजेज एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. फोर्थ, पिच डिक्रीजेज एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन ट्रू है, कौन सा फॉल्स है. तो सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है लाउड स्पीकर जो है वो फर्स्ट ऑब्जर्वर जो है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी इसको सुनाई दे रही है, तो ये 20 हर्ट्ज की यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, तो हम वेवलेंथ निकाल लेते हैं. यहाँ पर हमें 340 मीटर पर सेकंड यहाँ पर स्पीड दे रखी है, तो सी इक्वल टू हम यहाँ पर एन लैम्डा लगाएंगे. तो यहाँ पर हमें एन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सी अपॉन लैम्डा, यानी कि 340 अपॉन कितना ही है 20 हर्ट्ज है, इसे आप निकालेंगे तो निकलेगा 17. ये हो जाएगा 17 हर्ट्ज, यानी कि क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट जो वेवलेंथ हो जाएगी 17 मीटर. तो ये क्या है हमारा, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यहाँ पर दे रखा है हमको 17 मीटर, यानी कि सेकंड जो है ये हमारा क्या है, ट्रू है. इसके बाद हमको पता है कि जो ऑब्जर्वर है वो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी सुनता है वो कितने हर्ट्ज की, 20 किलो हर्ट्ज की. तो इसी तरह से हम निकाल लेंगे यहाँ पर, तो ये हमारी हो जाएगी ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, तो 340 अपॉन यहाँ पर हम 20 किलो हर्ट्ज के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हर्ट्ज में बदलेंगे, 20 × 10^3 आप लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0.017 मीटर. ये शॉर्टेस्ट हो जाएगी, यानी कि हमारा फर्स्ट भी क्या है, ये ट्रू है. उसके बाद थर्ड दे रखा है पिच इंक्रीजेस एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस. तो ये बात सही है कि जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है तो उसके साथ साथ जो है पिच भी इंक्रीज करती है, यानी कि थर्ड भी हमारा ट्रू हो जाएगा. फोर्थ दे रखा है पिच डिक्रीजेज एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस. तो ये जो है यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने पर पिच भी इंक्रीज करती है. तो ये फोर्थ जो है यहाँ पर फॉल्स है. तो इस तरह से ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5 इज रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट 1, करंट कैन प्रोड्यूस स्पीड अप केमिकल चेंजेस. दिस एबिलिटी ऑफ करंट इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. स्टेटमेंट 2, सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट. और यहाँ पर है ए बी सी डी जो है हमें दे रखे हैं ऑप्शन, तो बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो स्टेटमेंट 1 क्या दे रखा है, करंट कैन प्रोड्यूस ऑफ स्पीड अप केमिकल चेंजेस, यानी कि जो क्या होती है, तो जो करंट होती है वो क्या करती है, वो केमिकल चेंज को प्रोड्यूस करती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, इसको हम जो है केमिकल इफेक्ट बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट का. सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट. तो ये यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो केन शुगर होता है वो करंट को पास नहीं करता है. तो ये किसमें दे रखा है हमारा, तो ये दे रखा है हमारा ऑप्शन नंबर सी में. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6 इज 5 बॉल्स नंबर्ड 1 to 5 आर सस्पेंडेड यूजिंग सेपरेट थ्रेड्स. पेयर्स 1, 2, 2, 4, 4, 1 शोज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वाइल पेयर्स 2, 3 and 4, 5 शो रिपल्सन. देन बॉल 1 मस्ट बी. तो हमें क्या है यहाँ पर, पेयर दे रखा है और हमें बॉल 1 के बारे में पूछा है कि ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा, निगेटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, या इनमें से कोई नहीं. तो हम जो है सबसे इन्हीं ये जो पेयर है फर्स्ट वाले इन्हीं से हम देख लेते हैं. तो यहाँ पर ये पेयर जो दे रखे हैं उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन दे रखा है, यानी कि अट्रैक्शन कब होगा, जबकि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा. तो अगर हम 1 जो है हमें यहाँ पर 1 ही पूछा है, तो 1 को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं फर्स्ट पेयर में, तो 2 हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और 2 अगर हमारा नेगेटिव होगा तो 4 हमारा पॉजिटिव होगा. इसके बाद क्योंकि ये 2 और 4 का पेयर सेकंड दे रखा है, तो 2 अगर हमारा नेगेटिव है तो 4 पॉजिटिव है, और अगर 4 हमारा जो है थर्ड पेयर में क्या है, पॉजिटिव है, तो 1 नेगेटिव होगा. तो इस तरह से क्या है, और हमने 1 में जो फर्स्ट पेयर है उसमें हमने 1 को क्या माना था, 1 को हमने पॉजिटिव माना था. तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा. इसके बाद अगर हम इसको नेगेटिव ही मानते हैं 1 को, तो क्या हो जाएगा, 2 हमारा पॉजिटिव हो जाएगा. और उसी तरह अगर आप देखेंगे तो लास्ट में थर्ड पेयर में जाके जो है ये 1 जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा. तो यानी कि 1 ना तो ये क्या है, ना तो ये नेगेटिवली चार्ज है, ना ही ये पॉजिटिवली चार्ज है. इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो 1 है वो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा. तो ये ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा.
क्वेश्चन नंबर 7 इज अ प्रिज्म पी क्यू आर विथ बेस पी क्यू इज प्लेस्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशंस। अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म एज शोन इन द गिवन फिगर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप कॉरेस्पॉन्ड्स टू द कलर ऑफ द स्काई। तो यहाँ पर एक प्रिज्म दे रखा है पी क्यू आर, उसमें से क्या हो रही है, एक नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट को जो है वो इंसिडेंट किया गया है इस प्रिज्म के ऊपर। तो हमें बताना है कि आफ्टर पासिंग थ्रू द, यानी कि प्रिज्म से जो पास होगी उसके बाद क्या हो जाएगा। तो जो टॉप से जो थर्ड कलर होना चाहिए वो कलर रिजेंबल करना चाहिए स्काई के कलर से, यानी कि ये कलर क्या होना चाहिए, ये कलर हमारा होना चाहिए ब्लू कलर। तो अभी हम देख लेते हैं आगे कि इसका किस तरह से आंसर निकल करके आएगा। तो यहाँ पर जो फिनोमिना लगने वाली है उसे हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो ये क्या होती है कि अगर हम किसी, अगर हम एक वाइट लाइट को किसी भी ट्रांसपेरेंट जो होता है मटेरियल उससे हम पास करते हैं, तो ये क्या होती है, वाइट लाइट जो है अपने 7 कलर्स में क्या हो जाती है, ये 7 कलर्स में ये स्प्लिट कर जाती है। तो ये 7 कलर्स क्या होते हैं, तो ये विबग्योर होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ये वाइट लाइट जो है प्रिज्म पे पड़ रही है तो ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और येलो, ऑरेंज और रेड में जो है ये क्या हो रही है, स्प्लिट हो रही है। लेकिन हमें वहां पर क्वेश्चन में पूछा है कि हमें टॉप से हमें बताना है कि वो जो कलर है रिजेंबल करेगा किसका, स्काई का ब्लू कलर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिज्म को हम उल्टा कर देते हैं और प्रिज्म को उल्टा करने के बाद ये ओरिएंटेशन हो जाएगा। तो यहां जब ये लाइट पड़ेगी तो इस तरह से ये जो है स्प्लिट होगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि टॉप से जो थर्ड नंबर आ रहा है वो ब्लू कलर आ रहा है। तो इस तरह आप देख लीजिएगा वहां पर किस ऑप्शन में रिजेंबल कर रहा है, तो वही जो है इसका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ सॉलिड सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ बॉइलिंग ट्यूब एंड हीटेड स्टेडली। द टेम्परेचर टाइम ग्राफ ऑफ द सब्सटेंस इज शोन इन द गिवन फिगर। द पॉइंट एट विच देयर विल बी अ मिक्सचर ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस एंड लिक्विड इज। तो यहाँ पर टेम्परेचर और टाइम का एक ग्राफ दे रखा है और हमें क्या बताना है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है बॉइलिंग ट्यूब में इसको किसी एक सॉलिड सब्सटेंस को रखा गया है। तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पर कि मिक्सचर होगा सॉलिड और लिक्विड का। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है टेम्परेचर इसका जो यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट में है पी पर, उसके बाद जब इसका हम टेम्परेचर हम यहाँ पर इसका बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है इसके बाद ये क्यू जो है ये क्यू स्टेट में आ रहा है। तो ये सॉलिड से जो है ये लिक्विड की ओर यहाँ पर जा रहा है, यानी कि क्यू एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कि जो है ये सॉलिड और लिक्विड जो है उसका मिक्सचर यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद जो है ये आर पॉइंट है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सॉलिड जो है इसका टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो ये किस में चला जाएगा, ये तो ये जो है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर जो है ये लिक्विड और ये जो S पॉइंट है वो गैस का पॉइंट है। लेकिन हमसे पूछा है सॉलिड और लिक्विड का, तो ये किस पे हो जाएगा, ये Q पॉइंट पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज द वाटर हीटर ऑफ ए शावर इज कनेक्टेड थ्रू सर्किट ब्रेकर। द पर्पस ऑफ द सर्किट ब्रेकर इज ऑप्शन नंबर ए टू कट ऑफ द करंट व्हेन द शावर इज टर्न्ड ऑफ, ऑप्शन नंबर बी टू कट ऑफ द करंट व्हेन द वाटर हीटर इज स्विच्ड ऑफ, ऑप्शन नंबर सी टू कट ऑफ द करंट व्हेन देयर इज ए शॉर्ट सर्किट एंड ऑप्शन नंबर डी टू कट ऑफ द करंट व्हेन द वाटर इज द टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि वाटर हीटर जो है उसको जो है ऑफ, उस वाटर हीटर जो शावर का होता है उसको कनेक्ट किया गया एक सर्किट ब्रेकर से। तो यहाँ पर सर्किट ब्रेकर का क्या काम होता है, तो सर्किट ब्रेकर जो है उसका मेन काम होता है कि जो शॉर्ट सर्किट लगते हैं तो वो क्या होता है उस समय जो ये क्या करती है, ये करंट को क्या कर देती है, कट ऑफ करने का काम कर देती है। तो इस तरह से जो ये ऑप्शन नंबर सी में रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज अ पेंडुलम एक्स मेक्स 30 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 15 सेकंड्स। इफ अनदर पेंडुलम वाई मेक्स 19 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 9 सेकंड देन सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो फर्स्ट रखा है द स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम वाई इज लॉन्गर देन दैट ऑफ पेंडुलम एक्स। सेकंड द एंगल ऑफ स्विंग ऑफ रिलीज ऑफ पेंडुलम चेंजेस इट्स टाइम पीरियड। थर्ड पेंडुलम वाई हैज अ शॉर्टर पीरियड देन पेंडुलम एक्स एंड फोर्थ द हायर मास ऑफ द बॉब ऑफ पेंडुलम कॉरेस्पॉन्ड टू इट्स लोअर टाइम पीरियड। तो यहाँ पर जो है पेंडुलम एक्स जो है वो 30 कंप्लीट ऑसिलेशन बना रहा है 50 सेकंड्स में, यानी कि इसका टाइम पीरियड 2 हो जाएगा। वहीं पे जो पेंडुलम वाई है वो 19 कंप्लीट ऑसिलेशन बना रहा है 9 सेकंड में, तो इसका जो है ये टाइम पीरियड जो है 2.1 के समथिंग होगा, यानी कि जो है वाई का टाइम पीरियड जो है एक्स से ज्यादा है। तो यहाँ पर हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो यहाँ पर जो है जो टाइम पीरियड जो होते हैं सबसे पहले तो किस पर डिपेंड करता है, ये पेंडुलम जो है स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ पर जो है उस पर भी डिपेंड करता है। इसके बाद क्या है ये टाइम पीरियड जो है ये टाइम पीरियड
यहाँ पर दे रखा है फोर्थ, उसमें कि जो हायर मास ऑफ बॉब ऑफ पेंडुलम करस्पॉन्ड टू द लोअर टाइम पीरियड। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड होता है वो मास पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि इसमें ये दिखा रखा है कि जो है ये मास पर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह से इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 इज अ ग्लास कंटेनर हैविंग इनर डेप्थ ऑफ 28 सेंटीमीटर इज कैप्ड ऑन अ टेबल। अ स्टूडेंट स्टार्ट्स पावरिंग वाटर म्यू इक्वल टू 4/3 इनटू इट व्हाइल लुकिंग एट द सरफेस ऑफ वाटर फ्रॉम द अबव। व्हेन ही फील्स दैट द कंटेनर इज इक्वली फिल्ड एंड इक्वली एम्प्टी ही स्टॉप्स पावरिंग वाटर अप टू व्हाट हाइट द कंटेनर इज एक्चुअली फिल्ड। तो यहाँ पर जो है हमसे क्या पूछा है, यहाँ पर जो है हमें हाइट पूछा है, एच हमें निकालना है। तो एक ग्लास कंटेनर है जिसका कि इनर डेप्थ हमें 28 सेंटीमीटर दे रखा है और यहाँ पर जो है म्यू कितना दे रखा है, 4/3 दे रखा है। तो हम देख लेते हैं कि हाइट जो है यहाँ पर किस तरह से निकलेगी। तो ये कंटेनर है यहाँ पर और ये जो है इसमें वाटर जो पॉर किया गया है। तो यहाँ पर म्यू कितना दे रखा है, 4/3। ये हाइट है, इनर हाइट जो दे रखी है हमें बीकर की, तो ये कितनी है, 28 सेंटीमीटर है। एक्स जो है ये वाटर की हाइट है और एच माइनस एक्स एक्स जो है ये ऊपर जो है ये एयर की हाइट है। तो हमें क्या दे रखा है, फॉरेन ऑब्जर्वर आउटसाइड द वाटर हाइट ऑफ वाटर कितनी हो जाएगी। तो हाइट ऑफ वाटर कैसे निकलेगी, तो ये हो जाएगी एक्स अपॉन म्यू यहाँ पर। तो एक्स अपॉन 4/3 यहाँ पर निकालेंगे तो 3/4 एक्स जो है ये वाटर की हाइट यहाँ पर हो जाएगी। और यहाँ पर जो है हाइट ऑफ एयर कितनी है, तो h माइनस एक्स। तो ये कैपिटल h कितना हमको दे रखा है, 28 दे रखा है। तो 28 माइनस एक्स हम करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो 3x अपॉन 4 इक्वल टू 28 माइनस एक्स। तो यहाँ से हमको क्या है, यहाँ पर हमें हाइट पूछी है वाटर की क्वेश्चन में, यानी कि x हमें निकालना है। तो x यहाँ पर निकालेंगे तो ये 16 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा। तो 16 सेंटीमीटर जो है वाटर की हाइट यहाँ पर आंसर यहाँ पर निकल करके आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 इज रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, पेट्रोल कंडेंसेस नियर द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनल कॉलम एज कम्पेयर टू डीजल ऑयल। स्टेटमेंट 2, पेट्रोल इज मोर वोलेटाइल देन डीजल ऑयल। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं 1 और 2 और हमें बताना है कि कौन सा जो है ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है पेट्रोल कंडेंसेस नियर द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एज कम्पेयर टू डीजल ऑयल। तो ये बात सही है कि जो है डीजल ऑयल के ऊपर जो है पेट्रोल जो है वो जो है क्या होता है, ये कंडेंस करता है टॉप पर। तो इसका जो रीजन दे रखा है कि जो पेट्रोल होता है वो ज्यादा वोलेटाइल होता है, इसके कारण ये जो है ये डीजल ऑयल के ऊपर जो है ये कंडेंस करता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है और स्टेटमेंट 2 जो है इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट फोर सब्सटेंस डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी इज गिवन एज। डब्ल्यू यूज टू ट्रीट बेसिक नेचर ऑफ द सॉयल, एक्स फाउंड इन अनराइप मैंगोस, वाई यूज टू रिलीव इंडाइजेशन एंड जेड यूज टू ट्रीट एंड बाइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो डब्ल्यू क्या है सबसे पहले, तो ये किस में यूज़ किया जाता है, ये सॉयल के बेसिक नेचर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर। इसके बाद जो है अनराइप मैंगो जो कच्चे आम होते हैं उनमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है, और जो है इंडाइजेशन के रिलीव में हम मिल्क और मैग्नीशिया का यूज़ करते हैं, और एंड का जो बाइट होता है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो हम कैलामाइन सॉल्यूशन का यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी में रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 इज मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। कॉलम 1, पी इनर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम, क्यू रस्टिंग ऑफ आयरन, आर बर्निंग ऑफ एलपीजी एंड एस नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम। कॉलम 2, 1 रैपिड कंबशन, 2 नो कंबशन, 3 कंप्लीट कंबशन एंड 4 स्लो कंबशन। तो हम मैच करते हैं, सबसे पहले तो पी दे रखा है इनर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम, तो इनर मोस्ट जोन जो फ्लेम का होता है वहां पर कोई भी कंबशन नहीं पाया जाता, यानी कि नो कंबशन। तो सेकंड का क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी हो जाएगा। उसके बाद क्यों दे रखा है, रस्टिंग ऑफ आयरन, तो ये क्या होता है, ये स्लो कंबशन की प्रोसेस होती है, यानी कि 4 जो है उसका क्यू हो जाएगा। इसके बाद बर्निंग ऑफ एलपीजी, एक रैपिड कंबशन है, तो आर किसका हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा। उसके बाद नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम क्या होता है, ये तो आउटरमोस्ट जोन होता है जहाँ पर कि कंप्लीट कंबशन होता है, यानी कि एस जो है उसका क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। तो ये कहाँ पर मिल रहा है आपको, तो ये ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 इज ड्यूरिंग रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम वेरियस फ्रैक्शंस आर ऑब्टेंड, सम ऑफ दीज आर लिस्टेड बिलो। फर्स्ट पेट्रोल, सेकंड हैवी ऑयल, थर्ड केरोसिन, फोर्थ डीजल एंड फिफ्थ पेट्रोलियम गैस।
अरेंज दीज फ्रैक्शंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इनको बढ़ते से घटते क्रम में बॉइलिंग पॉइंट के लगाना है। तो फर्स्ट दे रखा है पेट्रोल, सेकंड है हैवी ऑयल, थर्ड है केरोसिन, फोर्थ डीजल और फिफ्थ है पेट्रोलियम गैस। तो इन्हें जब आप अरेंज करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो सबसे कम किसका होता है, पेट्रोलियम गैस का, उससे ज़्यादा होता है पेट्रोल का, उसके बाद केरोसिन का जो पेट्रोल से ज़्यादा होता है, उसके बाद जो है डीजल जो है वो किससे ज़्यादा होता है, केरोसिन से, और जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है वो हैवी ऑयल का जो है बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये ऑप्शन नंबर ए में आपको मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 इज क्लासीफाई द सब्सटेंस गिवन इन द बॉक्स एज कम्बस्टिबल एंड नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंसेज एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ग्लास, सेकंड सैंड, थर्ड पेट्रोल, फोर्थ कोल, फिफ्थ वाटर एंड सिक्स्थ कैम्फर। तो हमें इन्हें कैटेगराइज करना है कम्बस्टिबल और नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस में। तो कम्बस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं, जो कि ईजिली जो है वो फायर कैच कर लेते हैं, जबकि नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस है जो कि फायर जो है वो कैच नहीं करते। तो इनमें से जो है थर्ड जो दे रखा है पेट्रोल, फोर्थ कोल और सिक्स दे रखा है कैम्फर। तो ये क्या है, ये कम्बस्टिबल सब्सटेंस है। तो ये किस में दे रखा है, ये डी में दे रखा है। इसके अलावा जितने भी हैं वो नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका ये राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 17 इज मिस मीना ए साइंटिस्ट टीचर डेमोंस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर ऑन द गिवन सॉल्यूशंस 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पर दे रखा है। तो हमें सेलेक्ट करना है इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले में क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लेमन जूस है, सेकंड में यहाँ पर क्या दे रखा है, ये कास्टिक सोडा है, थर्ड में ये टेबल साल्ट है, फोर्थ में सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है। तो हमें क्या दे रखा है स्टेटमेंट, तो फर्स्ट दे रखा है चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स ग्रीन इन टेस्ट ट्यूब 3। तो टेस्ट ट्यूब 3 क्या है, टेबल साल्ट का है। तो ये क्या होता है, ना तो ये एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, टेबल साल्ट NaCl क्या है, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। तो चाइना रोज इंडिकेटर का जो है न्यूट्रल सॉल्यूशन में कोई भी जो है कलर क्या होता है, चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से फर्स्ट क्या है यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे रखा है, और जो है हमसे इनकरेक्ट ही पूछा है। तो एक तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, तो सेकंड दे रखा है टर्मरिक इंडिकेटर टर्न्स रेड इन टेस्ट ट्यूब 2। तो टेस्ट ट्यूब क्या है, ये कास्टिक सोडा दे रखा है। तो टर्मरिक जो होता है वो रेड कलर में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कास्टिक सोडा में। तो इस तरह से क्या है, ये स्टेटमेंट 2 तो यहाँ पर करेक्ट है, तो ये नहीं होगा। थर्ड दे रखा है फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर टर्न्स पिंक इन टेस्ट ट्यूब 4। टेस्ट ट्यूब 4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन है, और जो फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ये एसिडिक सॉल्यूशन में ये कलरलेस हो जाते हैं, जबकि यहाँ पर दे रखा है कि पिंक कलर के हो जाएंगे। तो इस तरह से थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पर इनकरेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 और थर्ड भी हो जाएगा। फोर्थ दे रखा है लिटमस सॉल्यूशन टर्न्स रेड इन टेस्ट ट्यूब 1, जबकि टेस्ट ट्यूब 1 में क्या है, ये लेमन जूस है। तो यहाँ पर क्या है, ये रेड में नहीं बल्कि ये ब्लू कलर में ये चेंज होगा लिटमस सॉल्यूशन। तो इस तरह से 4 भी इनकरेक्ट है, तो 1, 3 एंड 4 यहाँ पर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 इज एक्स इज ए खरीफ क्रॉप, वेयर इज वाई इज ए रबी क्रॉप, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर हमें एक्स बताना है खरीफ क्रॉप, तो इनमें से कौन सा है, और वाई कौन सा है, रबी क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप क्या होते हैं, जो कि अर्ली मानसून में जिनको बोया जाता है, और रबी क्रॉप क्या होते हैं, जो कि आफ्टर मानसून में बोए जाते हैं। तो इनमें से जो कॉटन है वो क्या हो जाएगा, ये खरीफ क्रॉप है, जबकि जो मस्टर्ड है वो क्या है, रबी क्रॉप है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 इज आइडेंटिफाई द एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट शोन इन द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। द गिवन एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट इज यूज टू ए लेवल द क्रॉप फील्ड फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, बी रिमूव द वीड्स मैनुअली, सी सो द सीड्स एट प्रॉपर डिस्टेंसेज, एंड डी सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द शेफ। तो यहाँ पर इस एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट को आप देख रहे हैं, तो ये क्या है, स्मॉल होए की तरह से होता है, जो कि क्या करता है, इसे हम खुरपी भी बोलते हैं। तो इसका क्या काम होता है, तो ये जो वीड्स अनवांटेड वीड्स होते हैं उनको क्या करता है, ये इनको मैनुअली, इसको हम हाथ से यूज़ करते हैं, और इन वीड्स को हम रिमूव करने का काम करते हैं। तो ये क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 इज राइजोम इज द मेन अंडरग्राउंड स्टेम दैट बियर्स बड्स विच गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, राइजोम इज फाउंड इन। तो हमें बताना है कि इनमें से किस में राइजोम पाया जाता है। तो जो राइजोम पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, जिंजर में पाया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ इसका ये राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 इज विच अमॉन्ग द गिवन पेयर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ चीज. ए पेनिसिलियम जेलिडियम, बी नॉस्टक लैक्टोबैसिलस, सी स्ट्रेप्टोकोकस एनाबिना एंड डी लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस. तो हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि चीज़ के प्रोडक्शन में हेल्प करता है. तो इनमें से जो लैक्टोबैसिलस होते हैं और स्ट्रेप्टोकोकस, ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि चीज़ के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ इसका ही राइट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 22 इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच. तो यहाँ पर हमें इनकरेक्ट मैच बताना है. ऑप्शन नंबर ए कान्हा नेशनल पार्क एमपी, ऑप्शन नंबर बी काजीरंगा नेशनल पार्क असम, ऑप्शन नंबर बी सुंदर ऑप्शन नंबर सी सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर डी गिर नेशनल पार्क झारखंड. तो इनकरेक्ट मैच कौन सा है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, गिर नेशनल पार्क इन झारखंड. जबकि जो गिर नेशनल पार्क होता है वो कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है गुजरात में. तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका ही राइट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 23 रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. ए डब्ल्यू कुड बी ए व्हेल वेयर इज एक्स कुड बी ए पेंगुइन, बी एक्स कुड बी ए पिजन वेयर इज वाई कुड बी ए फ्रॉग, सी डब्ल्यू कुड बी ए बैट वेयर वाई कुड बी ए सैल्मन एंड डी ऑल ऑफ दिस. तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ये एक्स जो है वो क्या दे रखा है, ये वर्टिब्री भी है, ये इसमें क्या पाया जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी, और ये क्या है ये ओविपेरस भी है. ओविपेरस यानी कि एक देता है, ये वर्टिब्री है और ये इंटरनल इसमें फर्टिलाइजेशन होता है. तो एक्स क्या हो सकता है इनमें, एक्स फर्स्ट में दे रखा है डब्ल्यू कुड बी ए वेल. तो डब्ल्यू क्या है यहाँ पर, ये क्या है इसमें डब्ल्यू जो है वर्टिब्री है और क्या है इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है. तो ये क्या है वेल भी हो सकता है और एक्स जो है ये क्या हो सकता है पेंगुइन भी हो सकता है. बी दे रखा है एक्स कुड बी ए पिजन, तो पिजन भी हो सकता है ये, क्योंकि पिजन जो है ओविपेरस भी होता है, वर्टिब्री भी होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी इसमें पाया जाता है. जबकि जो वाई है वो क्या दे रखा है यहाँ पर, वाई कुड बी ए फ्रॉग. तो ये भी बात सही है, वाई जो है वो फ्रॉग के अंडे भी देते हैं, ये वर्टिब्रेट भी होते हैं. तो बी भी हो सकता है, सी दे रखा है डब्ल्यू कुड बी ए बैट, तो डब्ल्यू जो है वो बैट भी हो सकता है, ये बात भी सही है क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन वर्टिब्रेट दोनों ही होते हैं. जबकि वाई जो है वो क्या हो सकता है सैल्मन यानी कि फिश भी हो सकती है. यानी कि ए बी और सी ये तीनों ही करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज यहाँ पर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 24 इज रेफर टू द गिवन एनालॉजी एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेंटली आइडेंटिफाइज एक्स. कॉकरोच यूरिकोटेलिक, एक्स यूरियोटेलिक, ऑप्शन नंबर ए फ्रॉग, ऑप्शन नंबर बी क्रोकोडाइल, ऑप्शन नंबर सी टॉरिकन एंड ऑप्शन नंबर डी स्नेक. तो यहाँ पर जो है हमें क्या बताना है, यहाँ पर जो है ये दे रखा है एक एनालॉगी दे रखी है और हमें बताना है कि यहाँ पर एक्स क्या होगा. तो कॉकरोच जो है वो क्या दे रखा है यूरिकोटेलिक, और तो यहाँ पर क्या है कॉकरोच में है जो क्या होता है यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ये एक्सक्रीशन में यहाँ पर क्या निकलता है यहाँ पर यूरिक एसिड निकलता है. वहीं पर जो एक्स दे रखा है वो यूरियोटेलिक यानी कि यूरिया निकलता है. तो ये किस में होता है ये एक्सक्रीशन, तो ये फ्रॉग में पाया जाता है. तो एक्स की जगह हम फ्रॉग लिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 25 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट द बैक्टीरियल डिजीज़. तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रुप है जो कि बैक्टीरियल डिजीज़ का होता है. तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कॉलरा, एंथ्रैक्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड टाइफाइड. ये सारी क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया से होते हैं. तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 26 इज रीड द गिवन पैराग्राफ एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स द ब्लैंक्स इन इट. तो यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक करना है. तो फर्स्ट क्या दे रखा है, इज कॉल्ड द चैंपियन ऑफ माइग्रेशन बिकॉज इट मेक्स द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन दिस सी बर्ड ब्रीड्स इन द. तो फर्स्ट क्या दे रखा है, चैंपियन ऑफ माइग्रेशन. तो ये क्या होती है, आर्कटिक टर्न इनको बोला जाता है जिनमें कि लॉन्गेस्ट माइग्रेशन पाया जाता है. उसके बाद दिस सी बर्ड ब्रीड्स इन, तो ये किस में ये ब्रीड करती है, नॉर्थन ये हेमिस्फीयर में ब्रीड करती है. एंड स्पेंड्स विंटर्स इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. बाई कंटिन्यूसली मूविंग बिटवीन द समर्स ऑफ बोथ हेमिस्फीयर इट सीम्स मोर क्या होता है, तो ये डे लाइट देन एनी अदर एनिमल. तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर फिट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका ही राइट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 27 इज फूड इज फर्स्ट रिसीव्ड बाय विच चैम्बर ऑफ स्टोमक इन रूमिनेंट्स. ऑप्शन नंबर ए रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर बी रूमन, ऑप्शन नंबर सी एबोवेसम एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज. तो यहाँ पर दे रखा है कि स्टोमक के किस चैम्बर में सबसे पहले फूड जो है वो रिसीव होता है इन रूमिनेंट्स. तो रूमिनेंट्स में सबसे जो फर्स्ट जो रिसीव होता है चैम्बर में वो उसे हम बोलते हैं रूमन. तो ये ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ इसका ही राइट आंसर हो जाएगा.
क्वेश्चन नंबर 28 इज विच अमॉन्ग द गिवन प्रोसेस डज नॉट बिलोंग टू द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सी प्रोसेस है जो कि प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर में जो है बिलोंग नहीं करती है। तो ये कौन सी तो यहाँ पर हमसे प्राइमरी ट्रीटमेंट पूछा है वेस्ट वाटर का। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड स्लज बाय द एक्शन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया वाला जो पोर्शन है वो किस में होता है, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट में होता है, ना कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में। तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 इज रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट, इट इज़ अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, येस। इट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, येस, एक्स, नो, वाई। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दैम। ऑप्शन नंबर ए, ड्यूरिंग एक्स फूड इज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी, वाई लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन मसल्स। ऑप्शन नंबर सी, मोर एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग एक्स एस कंपेयर टू वाई। एंड ऑप्शन नंबर डी, वाई टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट बैक्टीरिया एंड पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स। तो यहाँ पर हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो सबसे पहले एक्स क्या और वाई क्या ये देख लेते हैं। तो एक्स क्या है, यहाँ पर इट इज ए टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो कि क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो ये क्या है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, जबकि ये इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ये वाई, ये एनरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा। तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट दे रखा है, ड्यूरिंग एक्स फूड इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है कि फूड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। सी दे रखा है, मोर एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग एक्स एज कम्पेयर टू वाई। ये भी सही बात है, एक्स यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है क्या होती है, मोर एनर्जी रिलीज होती है। डी दे रखा है, वाई टेक्स प्लेस इन, यानी कि जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो यीस्ट बैक्टीरिया और पैरासिटिक फ्लैटफॉर्म में होते हैं। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, वाई लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन मसल्स, जबकि यहाँ पर जो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है मसल्स में। तो इस तरह से यही ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आज की वीडियो में टोटल 29 क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। सारे क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं बताए गए हैं, क्योंकि जो है वो क्वेश्चन जो है वो काफ़ी जो है वो क्लियर नहीं थे, तो उनकी वीडियो नहीं बन पाई यहाँ पर। तो क्वेश्चंस जो है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, तो वहाँ पर आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अपने फ्रेंड्स में जरूर से ज़रूर शेयर करें जिन्होंने ओलंपियाड का एग्ज़ाम दिया है, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तब तक के लिए पढ़ते रहें, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।